नमस्कार, एनबीसी न्यूज की खास पेशकश खास मुलाकात में आपका स्वागत है। दर्शकों, जिस प्रकार से आप जानते हैं, गोपाल परिवार फाउंडेशन एवं एनबीसी न्यूज के संयुक्त तत्वावधान से सारथी उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है सारथी भाइयों के कई जो है सवालों के हल इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आप तक लाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सचिन पांडे, जो कि गोपाल परिवार फाउंडेशन के सदस्य है। आज जो है कई सवाल आए हैं और उन सवालों का हल जो है सचिन जी हमें बताने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी हमारे इस शो में आने के लिए। तो सबसे पहला सवाल आता है कि किस प्रकार से जो है सारथी भाइयों के बच्चे काफी मेधावी होते हैं, कई बार उन्हें जो है प्रावीण्य श्रेणी प्राप्त होती है, लेकिन जो जिस प्रकार से उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए उस प्रकार का जो है पुरस्कार उन्हें नहीं मिल पाता, इसके लिए इस अभियान के तहत क्या जो है अभियान चलाया जा रहा है और क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है? जी नमस्कार, गोपाल परिवार फाउंडेशन की ओर से हमारे जो सारथी भाई हैं उनकी बच्चियां अगर 60% के ऊपर रिजल्ट लाती हैं तो गोपाल परिवार फाउंडेशन उनको 11,000 रुपए की राशि देने का वादा किया हुआ है, ताकि उनके बच्चे, ये कोई राशि ज्यादा तो नहीं है, उसके लिए सरकार से हम भी कोशिश करेंगे कि सारथी भाइयों के लिए बच्चियां जो है आगे बढ़े, जिससे कि उनका प्रोत्साहित आगे और बढ़ने की उम्मीद रहे। कई बार जो है एजुकेशन में भी दिक्कतें आती है, इसके लिए भी कुछ प्रावधान है आपके जो है सारथी अभियान के तहत? जैसे सारथी के बच्चे या बच्चियां जो है एजुकेशन में जैसे उनको पैसे की दिक्कत होती है, उसके लिए गोपाल परिवार फाउंडेशन ने जो है 2% के लोन के लिए प्रावधान रखा हुआ है, जिससे कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो दिक्कतें आ रही है वो क्लियर हो जाए। कई बार देखा गया है कि ड्राइवर सारथी भाइयों का जो है एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद उनकी अच्छे से देखभाल नहीं होती, जिससे कि कई बार उन्हें विकलांगता भी आ जाती है, तो उनके देखभाल के लिए ऐसा क्या प्रावधान है सारथी अभियान के तहत, क्या बताना चाहेंगे? जैसे अगर एक्सीडेंट में कोई सारथी डैमेज हो जाता है तो गोपाल परिवार फाउंडेशन की तरफ से एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले सारथी भाई या कोई आम जनता है जो पब्लिक उनको हॉस्पिटल पहुंचाती है, पहुंचाने वाले को गोपाल परिवार फाउंडेशन की तरफ से 21,000 रुपए का प्रावधान रखे हैं हम लोग, कि उनको 21,000 रुपए दिया जाएगा जो डैमेज सारथी भाई को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अगर सारथी भाई अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसके लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सैलरी वगैरह न कटे, ये हम विचार कर रहे हैं। सैलरी की बात आ गई इस चर्चा के तहत, जो है सैलरी की भी बात आ गई है बीच में, तो बात की जाए सारथी भाइयों की सैलरी, तो जिस प्रकार से वो काम करते हैं, जिस प्रकार से वो परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम के जो है मुकाबले उन्हें काफी कम सैलरी मिलती है, इसके बीच क्या परियोजना की गई है ताकि उनके जो है मेहनत का मेहनताना उन्हें उचित तौर पर मिला जाए? अभी देखिए, जो भी सारथी गोपाल परिवार फाउंडेशन की ओर से जुड़ा हुआ है उस सारथी भाई को हमने अभी 35,000 रुपया मंथली सैलरी देने का वादा किया हुआ है। जो भी सच्चा साथी है, सच्चा सारथी है, सारथी बनो स्वार्थी नहीं बनो, इसके लिए हमने उनको 35,000 रुपया सैलरी देने का वादा किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2025 तक के मार्च तक के हम वो सैलरी जो 35,000 है वो 50,000 तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो सरकारी और निजी संस्थानों में भी सेवानिवृत्ति का जो है, सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन का प्रावधान है, और देखा जाए तो जो है भविष्य किस प्रकार से, भविष्य में जिस प्रकार से जीवन यापन करने का जो है उपाय दिया गया है, लेकिन बात की जाए सारथी की तो ड्राइवर लाइन में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है, जिसके चलते 65 साल के बाद जो है काफी कठिनाइयों का सामना सारथी भाइयों को करना पड़ता है, तो इसे संयोजित करने के लिए, इसे नियोजित करने के लिए किस प्रकार के उपाय जो है गोपाल परिवार फाउंडेशन के तत्वावधान से चलाए जा रहे हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने जो है एक गुजरात में एक आश्रम बना रहे हैं, काम हमारा चालू है, जिसमें कि ड्राइवरों को जो 65 साल के बाद से जो काम नहीं कर पाएंगे उनको रहने और खाने की व्यवस्था हम वहाँ पे करेंगे। वहाँ पे गौ पालन की भी सेवा हमारे पलराज जी ने किया हुआ है, तो वहाँ पे ड्राइवर आराम से अपनी 65 साल के बाद की जिंदगी वहाँ बिता सकते हैं, वहाँ पे उनको कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारे गोपाल परिवार फाउंडेशन ने शुरू किया हुआ है। कंडीशन क्या रहेगी उसके पीछे कि किस प्रकार के सारथी भाई वहाँ जो रह सकते हैं? वहाँ सारथी भाई को क्या है, अपनी फ्री मुफ्त हवा है, मुफ्त पानी है, मुफ्त भोजन रहेगा,
कोई उनके पीछे कोई टर्म्स कंडीशन नहीं रहेगा, वो आराम से अपना जीवन वहां व्यतीत कर सकते हैं। जो है हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवर भाइयों ने, सारथी भाइयों ने काफी जो है उसका विरोध किया, लेकिन देखा गया है कि जो मालिक है, मालिक कहीं दरकिनार रहे, साथ ही जो मरना हुआ है, जो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, वो ड्राइवर्स भाइयों का ही हुआ है। इस पार्श्वभूमि को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो हिट एंड रन केस कानून जो बना था उसमें सारथी भाई के ऊपर लगा था, यानी ड्राइवर के ऊपर लगा था। ड्राइवर में देखा जाए तो एक आरटीओ साहब भी जो है वो भी एक सारथी के रूप में गिने जाते हैं, तो ये कानून उनके ऊपर भी लागू था और लागू रहेगा। लेकिन कानून गवर्नमेंट ने जो वापस लिया, बहुत अच्छा काम किया। इस पे ड्राइवरों ने थोड़ा सा डर तो दहशत आ गई थी, तो अभी फिलहाल ठीक है उनके लिए। एक सच्चे सारथी की क्या संकल्पना होनी चाहिए, क्या लगता है आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो सच्चा सारथी है, अगर उसको कहीं काम नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे हिसाब से जो है सारथी बनना एक इजी काम है। हाँ। जो कि इसमें वो अपना तरक्की कर सकता है, कोई इन्वेस्ट नहीं है इस कार्य में, और वो काम सीख करके अपने परिवार को जो है पालन पोषण बहुत आसानी से कर सकता है। देखा गया है कि जो है सारथी लाइन में महिलाएं भी काफी ज्यादा मात्रा में आ रही है, तो क्या लगता है आपको कि ये सुरक्षित है? किस प्रकार से सुरक्षित नियोजित उनका जो है सुरक्षा का नियोजन किया जाएगा गोपाल परिवार फाउंडेशन के तत्वावधान से? और देखिए, जो महिलाएं हैं, अभी एक साउथ की कंपनी है जिसमें अभी 4 महिलाएं जो है ड्राइवर के पद पे नियुक्त हुई है, उनके लिए देखिए मेरे समझ से तो सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उनका सुरक्षित केबिन रहे, और ऐसा कुछ उनके लिए टोल फ्री नंबर हो कि कोई अगर उनके साथ घटना घटती है तो तुरंत कोई नंबर सरकार उसको उपलब्ध करे, ताकि वो डायरेक्ट नजदीकी पुलिस स्टेशन में वो नंबर लगे और उनकी सुरक्षा तुरंत की जा सके। देखा गया है कि सारथी भाई जो है ड्राइवर लाइन में जो काम कर रहे हैं उनको उतना अच्छा दर्जा नहीं मिलता, तो क्या बताना चाहेंगे उनको एक देश के विकास में, साथ ही साथ देश की कड़ी में एक सक्षमता से जोड़ने के लिए किस प्रकार से उपाय किया जा रहा है? ये भी पिछले कार्यक्रम में प्रहलाद जी ने ये भी बताया कि उन्हें फौजी का जो है दर्जा देने के बाद जो है गोपाल परिवार फाउंडेशन द्वारा जो है उसका प्रयास चल रहा है, उस पर पुनः प्रकाश डालते हुए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो सारथी है वो देश के एक रीढ़ की हड्डी है, अगर ये थम गया तो समझ लीजिए कि रीढ़ की हड्डी टूट गई। जिस तरह रीढ़ की हड्डी टूटने से इंसान जो है बेकाम हो जाता है, उसी तरह अगर ये थम गया तो देश भी बेकाम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे सारथी भाइयों को फौजी का दर्जा दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और सरकार से भी बात कर रहे हैं कि ड्राइवर सारथी भाई जो है उनको एक फौजी का दर्जा दिया जाए। ये हमारी प्रयास चल रही है गोपाल परिवार फाउंडेशन की। दर्शकों, जिस प्रकार से गोपाल परिवार फाउंडेशन द्वारा परिश्रम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है घाघर में सागर भरने का भी प्रयास यहाँ किया जा रहा है। देखा गया है कि देश के विकास एवं उत्थान में जिस प्रकार से एक अथांग महासागर को भरने के लिए हर एक बूंद की भागीदारी आवश्यक होती है, उसी प्रकार से इस देश को विकास एवं उत्थान की ओर ले जाने के लिए ड्राइवर यानी सारथी भाइयों की उतनी ही भागीदारी आवश्यकता है जितनी की जो हर एक बूंद की जो है अथांग सागर को भरने के लिए होती है। देश में कृषि, तंत्रज्ञान और सभी चीजों को जोड़ने का काम जो है सारथी भाई करते हैं। महाभारत काल से देखा गया है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने भी जो है सारथी की भूमिका निभाई, उसके बाद से यही हम महत्व विदित करना चाहते हैं कि सारथी भाई इस देश के रीढ़ की हड्डी है। तो जिस प्रकार से गोपाल परिवार फाउंडेशन एवं इनबीसी न्यूज के तत्वावधान से जिस प्रकार से विभिन्न सवाल आते हैं, विभिन्न सवालों के हल जो है गोपाल परिवार फाउंडेशन के सदस्य एवं संचालकों द्वारा यहाँ जो है किए जाते हैं, ये कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि सारथी भाई जो है देश के रीढ़ की हड्डी है, देश के विकास का जो है प्रतीक हम उसे बोल सकते हैं, देश के विकास में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी काफी आवश्यक है। तो ये देखना काफी रोचक रहेगा कि आगे गोपाल परिवार फाउंडेशन साथ ही साथ इनबीसीएन के माध्यम से चलाए जा रहे इस अभूतपूर्व उपक्रम के तहत जो है सारथी भाइयों का जीवन किस प्रकार से जो है उज्ज्वल होता है, किस प्रकार से तेजपुंज होता है। कई सवालों के साथ मिलते हैं अगली कड़ी में। मैं था मनीष टेमरे और हमारे साथ थे सचिन पांडे। नमस्कार।